अपना मुख्य मार्ग NH 33 पर रामगढ़ जिले के हेसा गढ़ा में गैस से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद गाड़ी से गैस का रिसाव लगातार जारी है। एहतियात के तौर पर जहां पर रांची पटना मुख्य मार्ग को वन वे कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर आसपास की बस्तियों में चूल्हा जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गैस टैंकर नेपाल जा रहा था, तभी कुज्जू के पास घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे दी है। बोकारो, हजारीबाग सहित कई जगहों से टीम घटनास्थल पर पहुंची है, लेकिन खबर मिले लिखे जाने तक गैस रिसाव के मुंह को बंद नहीं किया जा सका है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। तो गाड़ी से गैस का रिसाव लगातार जारी है। पटना मुख्य मार्ग पर कुज्जू के समीप जो है हेसागरा घाटी में गैस टैंकर के पलट जाने से घाटी को वन वे कर दिया गया। वहीं अगर बात करें तो लगातार गैस के रिसाव के कारण एहतियात के तौर पे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि गैस गाड़ी टैंकर के समीप जो है किसी भी प्रकार के वाहन ना आ जाए। साथ ही साथ जो आसपास के बस्तियां हैं उसमें भी जो है चूल्हा जलाने पर रोक लगा दी गई है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे, जीवंत तस्वीरें हैं। आप देख रहे होंगे ये जो है हेसागरा घाटी का नज़ारा है, जहाँ पे गैस टैंकर पलट गई है। और ये गैस टैंकर जो है पारादीप से आ रही थी और नेपाल की ओर जा रही थी, जहाँ पे अनियंत्रित होकर घाटी में अचानक पलटी है। और पलटने के बाद जो है सबसे बड़ी बात है कि लगातार गैस का रिसाव होने लगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। सर, किस तरह के एहतियात यहाँ पे बरते गए हैं और क्या लगता है कि यह कंट्रोल हो पाएगा क्या? देखिए, ये 4 बजे रात्रि का घटना है। इसके बाद हम लोगों ने वन वे कर दिया है। इसके बाद दोनों साइड से जो लेफ्ट साइड का वे है उसको हम लोगों ने बंद करवा दिया है। साथ ही हमारे रात भर दोनों साइड से हमारे पुलिस पदाधिकारी थाना प्रभारी कुज्जू के हमारे सर्किल इंस्पेक्टर सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग ने चारों तरफ से ट्रैफिक वन वे किया अभी। उसके बाद रात में ही हम लोगों ने इसको जो गैस लीक कर रहा था उसका टीम बंद करवाने के लिए रामगढ़ कुछ उसके बाद हजारीबाग उसके बाद बोकारो से टीम बुला के उसको तत्काल में MCL से बंद करवा दिया गया है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ कशिश न्यूज के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र पटेल।